हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ हम बात करते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी बातों की। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हमें ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कैसे करना है हमारी ट्रेडिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रेडिंग व्यू, तो आ जाएगा सिंपली जो पहली वेबसाइट आएगी हमें उसे क्लिक कर देना है। इस tradingview.com में क्लिक करेंगे तो हम कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि निफ्टी का चार्ट शुरू है, अभी हमें यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो एक्सटेंशन का जो भी सिंबल दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके हम आ जाएंगे सीधे प्रोफेशनल दिखने वाले एकदम ट्रेडिंग व्यू में। इसका नाम भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि इसका व्यू बहुत ही बढ़िया है जो काफ़ी हद तक एफिशिएंट हो जाता है ट्रेडिंग करते समय या फिर हमारी इन्वेस्टिंग करते समय, क्योंकि हमें स्टॉक्स को छानना होता है इतने बड़े जंगल से, स्टॉक्स को छानना बहुत आसान हो जाता है, स्टॉक्स के एनालिसिस करना आसान हो जाता है कि उसका चार्ट हमारे लिए क्या कह रहा है। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को सिंपली यहाँ से क्लिक करके ऐसे, तो देखिए कितना सही इस्तेमाल हुआ है ट्रेंड लाइन का। इस प्रकार से हम अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स यहाँ पर से हम क्लिक करके इंडिकेटर जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये मूविंग एवरेज यूज़ किया था पहले, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज शुरू हो गया है। देखिए ये लाइन जहाँ जहाँ होती। तो ठीक है, इस बार हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम मूविंग एवरेज के बारे में या फिर इंडिकेटर्स के बारे में किसी अलग वीडियो में भी बात करेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो आज हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे हमारी ट्रेडिंग को हमें एफिशिएंट बनाना है। तो हम सिंपली यहाँ पर जितने भी सिंबल दिख रहे हैं धीरे धीरे आप अगर वैसे भी ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करने लगे हैं तो इन सब का इस्तेमाल आपको आने लगेगा धीरे धीरे। यहाँ पर क्लिक करके हम पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ट्रेड चार्ट में हमें लिखना है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हम जो भी ट्रेडिंग में ड्राइंग करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ड्राइंग करेंगे या इंडिकेटर्स लगाएंगे, वो सभी सेव हो जाते हैं अगर हम यहाँ पर इसे लॉगिन करके रखें। तो प्लीज़ आप लॉगिन करके ज़रूर रखना ट्रेडिंग व्यू के अंदर अपने गूगल अकाउंट से, क्योंकि हम जो भी ट्रेंड लाइन या फिर इंडिकेटर्स लगाएंगे आज या कल, मतलब जब भी आप लगाएंगे तो वो अब ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। तो बिल्कुल भी आपको फिर घबराने की टेंशन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पिछली बार मैंने क्या एनालिसिस किया था, या फिर आप भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नॉर्मली हम भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर भी रिमूव कर देंगे। तो सिंपली ये हो गया, और ये हो गया स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए। जैसे ये W पैटर्न के लिए था, यहाँ पर हम ABCD, ठीक है, जैसे एफिशिएंट ट्रेडर जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं अपने इंडिकेटर्स को, वो भी हमें सीखना है धीरे धीरे। तो हम यहाँ पर ड्राइंग अपने रिमूव कर देंगे। अब बारी आई स्टॉक्स को, डिफरेंट स्टॉक्स को कैसे सर्च करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर लिख कर, या फिर एक सिंपल सा तरीका है, आप सीधे टाइपिंग करना चालू कर दीजिए, वो खुद ही सर्च बार में आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से कुछ ये रिलायंस का चार्ट शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह सब यूज़ करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमें फंडामेंटल्स दिखाई दे देंगे साइड में, अगर यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा नीचे के फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी की अर्निंग कैसी है, अर्निंग रेशियो कैसा है, बाकी जो चीज़ें आपको देखनी हो यहाँ से देख सकते हैं। ये है हमारी वॉच लिस्ट, हमें जो भी स्टॉक्स पसंद है या फिर जो हमें देखना है फ्रीक्वेंटली तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिस आ जाए।